मैं पहली बार जी नवी टेक्नोलॉजी लिया सी ना, वो सी बिना चीर फाड़ तो हड्डियां दे विच रॉड पाउण दी। मैं इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा, पूरी टीम नूं बहुत बधाई दिंदा, बड़े कलैक्टिव तरीके नाल इकट्ठे होकर काम करते हैं और ताही इन्हां दी इन्नी बरकत है सर्जरी दे विच, ताही रिजल्ट्स इन्ने चंगे दे सकते हैं। शहर लई भी बहुत फखर की गल है कि जिहड़ी न्यू रोबोटिक सर्जरी लैके आए ने, मैनू कहन च बड़ी खुशी और गर्व महसूस हुंदा है कि यह सर्जरी सिर्फ गिने चुने हिंदुस्तान के शहरों के हो रही है। इस टेक्नोलॉजी के मरीज़ का ऑपरेशन तो पहला सीटी स्कैन या MRI स्कैन की कोई लोड़ नहीं होंगी और रिजल्ट्स इन्ने अच्छे ने कि उसे शाम को मरीज़ जोड़ा है वो आराम के नाल तुर फिर सकता है और अगले दिन या दो दिन बाद मरीज़ को छुट्टी दे दी जाती है। तो लगता है ऐसा लगता यार कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड बहुत कम चल रहे हैं। जो मेरा महकमा ले लीए इलीगल बिल्डिंग जड़िया ने किमें रेगुलराइज करनी है या किनिया करनी ने, जी इलीगल कॉलोनीज ने उन्हों का की करना है, इस वे प्लानिंग चल रही है। भ्रष्ट मंत्री जो अज गिरफ़्तार किया वह भी समझता होगा किधरे ना किधरे कि जो कहते ना चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। रोबोटिक सर्जरी जिन्हें कि नी रिप्लेसमेंट दे विच एक क्रांति लिया दी है, ये रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाले सब तो पहले पंजाबी अमृतसर दे ने, सानू माण है अमृतसरी होने ते पंजाबी होने डॉक्टर अवतार सिंह अमनदीप हॉस्पिटल वालों ये इनिशिएटिव लिया गया सी अज तो करीब करीब जे मैं गलत नहीं तो 20 साल पहलों, जदों के लोग डरते सी गोडे दे ऑपरेशन किसी नूं कह दिता जांदा सी भी ऑपरेशन करा लो तो लोग दूर दूर भज जांदे सी। अज साडे नाल ने डॉक्टर अवतार सिंह, रोबोटिक सर्जरी इन्होंने 2000 तो ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, वैसे मेरा ख्याल जो मैं गलत नहीं हाँ तो 20,000 तो ज़्यादा एक गोड़ियां दे ऑपरेशन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी, पहले तो मैं चाहूँगा तुहानू पहले तो वधाई है, नाल दसो अज तुसी कि टैक्नीक जी नवी लैके आए हो। थैंक यू भंडारी साहब, तुसी अज आए हो इस इवेंट ते, अज जी एक नवी टेक्नोलॉजी गोड़ियां दे जोड़ बदलन दे ऑपरेशन वास्ते नवी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, वो नैक्सट जनरेशन रोबोटिक्स। तुहानू पता होना कि मैं पिछले 4 सालों तो रोबोटिक सर्जरी दे नाल गोड़ियां दे जोड़ बदल रहा सी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने आए। हैरानी हुंदी सी कि मरीज़ इन्नी जल्दी किस तरह ठीक हो जाते, क्योंकि जे तुसी पुराने जमाने की गल करो, पुराना भी बहुता नहीं, जे 15-20 साल पहले चले जाओ तो किसी नूं कहना भी गोड़ियां दे ऑपरेशन की लोड़ है तो मरीज़ डर जाते होंदे सी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी नाल रिजल्ट ही इन्ने माड़े आते होंदे सी, दर्द बहुत होंदी सी, खून बड़ा वगदा सी, हस्पतालों च 10-10 दिन रहना पैंदा सी और 20% लोगों के गोडे जड़े ना पहले 2 सालों के या 5 सालों के खराब हो जाते और उन्होंने दोबारा ऑपरेशन करने पैंदे। सो 2005 तो मैं फिर नैविगेशन शुरू करती जिहड़ा रोबोटिक्स का पहला रूप सी जी, उस तो बाद फिर 2018 के रोबोटिक सर्जरी शुरू की और हुण तक तकरीबन 2000 मरीजों के बहुत सक्सैसफुली नी रिप्लेस किए और इस कड़ी का अगला हिस्सा जिहड़ा वो नैक्सट जनरेशन रोबोटिक्स। इस टेक्नोलॉजी दे विच मरीज़ का ऑपरेशन तो पहला सीटी स्कैन या MRI स्कैन की कोई लोड़ नहीं होंदी, उहदे नाल मरीज़ के एक तो पैसे बचते हैं, दूसरा एक दिन पूरा बच जाता है और इस टेक्नोलॉजी दे विच जदों ऑपरेशन शुरू करीदा है तो ऑपरेशन के दौरान रोबोट की हैल्प के नाल ही तुहानूं इह शायद आइडिया होवे कि हर मरीज़ के गोडे जिहड़े आ हर इंसान के गोडियां का साइज़ और शेप अलग अलग हुंदा, सो जदों ऑपरेशन शुरू करीदा रोबोट की हैल्प के नाल एक 3D मॉडल जिहड़ा उस स्क्रीन के उत्ते टच स्क्रीन पर बन जाता, फिर उस मॉडल के उत्ते असी सारी सर्जरी की प्लैनिंग करी दी भी इस मरीज़ का गोडा जिहड़ा वो किहड़ी पोजिशन च फिट करना चाहिए, इस मरीज़ के गोडे का साइज़ की है, इहदियां लिगामेंट्स नूं किस तरह बैलेंस करना, यह सारी प्लैनिंग कह लो कि लड़ाई की प्लैनिंग पहलों ही स्क्रीन पर कर ली दी और फिर वो प्लैनिंग नूं एक रोबोट की मदद के नाल जिहड़ा सर्जन के हाथ च हुंदा वो सारी प्लैनिंग इंप्लीमेंट कर दी है और यह नवी जनरेशन का जिहड़ा रोबोट है यदि स्पीड जिहड़ी है ना हड्डी नूं कसाउण दी ये पिछली रोबोटिक्स जिहड़ियां जिन्नियां भी रोबोटिक्स हैगियां ने मार्केट दे विच उन्हां नालों 2 गुणा फास्ट है, बहुत जल्दी ये खराब हड्डी नूं जिहड़ा है वो डिब्राइड कर दिंदा है, रिमूव कर दिंदा है, लिगामेंट्स और मसल्स नूं बिल्कुल टच नहीं करता, सो कोई डैमेज नहीं हुंदा और ब्लीडिंग भी नाम मात्र ही हुंदी है और रिजल्ट्स इन्ने अच्छे ने कि उसे शाम को मरीज़ जिहड़ा है वो आराम दे नाल तुर फिर सकता है
और अगले दिन या दो दिन बाद मरीज़ को छुट्टी दे दी जाती है। डॉक्टर मैंने याद है जो तुम पहली बार रोबोटिक सर्जरी लिया नैविगेशन सिस्टम लिया की गल की शायद तुम्हें बहुत सारा डिसकरज भी किया भी यार इंडिया तो कित भी है नहीं शायद एक अद्धा सेंटर सेगा तो नहीं भी अज अपने उस फैसले तो तुम गर्व हों भी उदों तो शुरू शुरू तो बंदा डरता भी है भी करोड़ रुपया बहुत बड़ी गल होंगी है। देखो जो कोई नवा काम करना हो भंडारी साहब तो सारे लोग डराते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस की गल कर लेना जो 1990-95 मैं शुरू की सी तो मैं डराते सारे भी इतने बड़ा अतवाद है 1990 इतने ना प्रैक्टिस करो तो मैं क्या भी इस शहर के जन्म लिया इतने रहना एंड तकर सो कित नहीं जाना। ये भी बहुत डराते कि इतने बहुत व्डे व्डे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मेरे टीचर्स भी इतने प्रैक्टिस करते पर मैं कभी यहोजी गलों की सोच नहीं भी जो परमात्मा ने देना वो देना है। सो मैं पहली बार जी नवी टेक्नोलॉजी लिया बिना चीर फाड़ तो हड्डियों के रॉड पाउण की क्योंकि मेरी अपना पट टुटा सी उस तो पहला तो मैं तकरीबन 3 महीने मंजे पर रहना पिया उदो नवी टेक्नोलॉजी अवेलेबल सी बिना चीर फाड़ तो हड्डियों रॉड पाउण की मैं वो लैके आया उदों भी बड़ा लोगों ने डराया फिर नैविगेशन लैके आँदी तो उदों भी बड़ा ऑपोजिशन भी हुंदी है डिसकरेज भी करते हैं लोग पर जे तुसी एक मंजिल जी अपनी फड़ ली है ना तुसी आले दुआले दीयां गल्लां दा तुहानूं सुणन कोई डर नहीं हुंदा सो अपनी सीधी लाइन च चलो मेहनत करो। अच्छा सवाल है कि गोडे खराब क्यों हुंदे ने? देखो अजकल तो बहुत सारे लोगों के क्यों खराब हुंदे ने? गोडे खराब होने के बहुत सारे कारण ने। एक तो हैरिडिटरी हुंदा फैमिलीज़ के विच चलदा है एक फैमिलीज़ का जे एक बंदे का खराब हो उस फैमिली के नैक्सट जनरेशन भी खराब हो सकदी। दूसरा मोटापा जिहड़ा है वह बहुत वड्डा कारण है ज्यों ज्यों बंदे का वेट वधी जांदा है वह भार सारा अपने गोडियां ते ही चलता है। मैं मरीजों को कई बार हसदा हुंदा कि जे तुसीं मरूती दे टायर दे उत्ते ट्रक का भार लद दोगे तो फिर वह टायर तो कसनी है सो उही अपने लिए भी सच है जे मोटे हो जावांगे तो साडे गोडियां ते ही भार पैणा जे ज़्यादा चौंकड़ी मारांगे या स्पोर्ट्समैन जिहड़े ने वह ज़्यादा डंड बैठकां मारदे ने या कोई चोट लग जाए या गंठिया हो जाए ये सारिया चीज़ा गोडे नूं खराब कर देंगे। शराब तो डायबिटीज़ एक तो सैल्फ मैडिकेशन ये किन्ना क रोल प्ले कर दिया है तुहाडे गोडे खराब करन च? डायबिटिक्स दे विच डेफिनेटली चांसिस ज़्यादा होंदे है शराब दे नाल कोई बहुत ज़्यादा गोडिया ते असर नहीं होंदा। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੋਟਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 20-25,000 ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਥੋਪੈਡਿਕ ਜੇ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਸਨ ਇਨ ਲੋ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪੀ ਛੀਨਾ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ ਤੋ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬੜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ
और ता ही इन्हों की इन्नी बरकत है सर्जरी के रिजल्ट इन्नी चंगे दे सकते हैं। एज ए डॉक्टर देखो हूँ तुम पोलीटिशियन बन गए तुम मिनिस्टर हो तो डॉक्टर साहब तुम्हें की लगता कि मैडिकल टूरिज्म का अमृतसर कि स्कोप है तो सरकार क्या करना चाहिए? देखो बहुत ज़्यादा स्कोप है, सरकार तो फैसिलिटेट कर सकती है क्योंकि हॉस्पिटल तो ही रहने ने आप इन्हों का जिस तरह टूरिज्म मैप से लिया सकते हैं इन्हों इन्हों बार असी प्रचार कर सकते हैं, असी लोगों को बार दस सकते हैं कि साढ़े को फैसिलिटीज अवेलेबल है ने। असी जी एयरलाइनस ने उत्थे होर एयरलाइनस नू असी लिया की कोशिश कर सकते हैं, फिर असी माहौल लोकल चंगा क्रिएट कर सकते हैं, जो सफाई हो जो लोग वॉन्टड फील कर एक्सैप्टड फील कर उन्होंने गंदगी या बैगर्स वगैरह नज़र ना हो इतने। सो ये सारा काम असं रल मिल के कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है और सब लोड़ भी है। पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार को वधाई है जो पहले कदी नहीं होया हुण हो रहा है। अज ही एक सवेरे मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर फड़े गए हैं 50 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर साहब क्या मतलब जिमें गंदगी बड़ी फैली हुई पहले तो यह हों जी जो मर्जी करी जाओ तो हूँ तो लगता भी थोड़ा बदलाव आएगा या होर आना आने की संभावना है? डेफिनेटली बदलाव आ रहा जी, बदलाव तुम देख ही रहे हो हूँ। ये हों पता कि बड़ा कम्युलेटिव इफेक्ट होंगे तो लगता इस वे लगता यार कुछ नहीं होया कुछ नहीं होया, लेकिन अंडरग्राउंड बहुत कम चल रहे हैं। जो मेरा मैं एक मैं ले लीए इलीगल बिल्डिंग जड़ियाँ ने किमें रेगुलराइज करनी है या किनिया करनिया ने जी इलीगल कॉलोनीज ने उन्हों का की करना है, इस वे प्लैनिंग चल रही है हर वे या डॉग की जी मेहनेंस है इनू असी किस तरह घटा है। जो डेयरी फार्म है तो उत्थे एक तरह एक नवा वेटनरी हॉस्पिटल बना के नाल डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर बनाना मैं जिस वे डिस्कस करना है, हर एक शहर असं इस तरह काम कर रहे हैं। सो तुसी वेखो कि रिजल्ट जदों साडी सरकार दा टाइम टेन्योर पहला टेन्योर पूरा होएगा असी अगली इलेक्शन जावांगे तो तुसी वेखो कि तुहानू बहुत सारे टेंजिबल रिजल्ट नज़र आ रहे होणगे रिजल्टां नूं चार महीने। अच्छा डॉक्टर साहब जदों इन्हां नूं पुछीदा भी नशा बड़ा वध गया गुंडागर्दी बड़ी वध गई ये हमेशा वह मतलब ये कहिंदे भी ये सरकार अपनियां नाकामियां छुपाउण लई ते साडे दे उपर थोप रही भी हुण सरकारां पुरानियां सरकारां नूं कोसना बंद कर देना चाहीदा। अच्छा कोसते नहीं अच्छा कदम भी माड़ा नहीं क्या उन्होंने वो तो जो केंद्र आ हूँ अज हूँ अकाली दल या कांग्रेस वाले कह नशा वध गया तो बंदा पूछे शुरू तुम्हें किया तुम्हें वधाया तो कुछ भी नहीं किया है ना अच्छे घटाने की कोशिश ही कर रहे हैं। सो इस करके असं नहीं कहते कि इन्ना इन्ना नशा वधाया या इन्ना कराया ये आप ही रौला पाते फिर सूँ तो कमेंट करना पैंता। सो इस करके असं ब्लेम नहीं कर रहे इन्हों सिर्फ ये सूँ काम कर लेंगे असं नीयत कर साफ नीयत काम कर रहे हैं सूँ काम कर लेना चाहिए। शहर की ट्रैफिक समस्या की बड़ी हालात खराब है क्या कोई प्लान सर लैके आ रहे ट्रैफिक को दुरुस्त करने वास्ते क्योंकि टूरिज्म कोई भी चाहे मेडिकल टूरिज्म हो सर ताई या इत्थे सैलानी ताई वधनगे जे थोड़ा ट्रैफिक क्योश खत्म होएगा जी? मेरी परसों मान साहब नाल गल हुई सी इस गल ते और असीं डिस्कस कीता सीगा कि जदों ट्रैफिक कंट्रोल हो जाती है तो क्राइम आपे घट जाता है। सो उन्हां दी नॉलेज भी है मेरी भी नॉलेज है जो साडे लोकल ऑफिसर्स ने मैं उन्होंने गल भी की है। मैं कहा दिवाली तुसीं हुण कि दिवाली तो बहुत रश हो जाता मैं कहा तुसीं टपाओ जिस टाइम टपदी है उस बाद मैं फूल प्रूफ सिस्टम चाहिए हूँ तुम कहो कि अमृतसर की गल ही करते बिकॉज मेरा शहर जो आया सो जो अमृतसर होएगा बाकी शहर सेम होएगा ये असं हर एक शहर कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक जोड़ा इनू ट्रैफिक को कंट्रोल करना करना हर हाल हर हाल और तुम सा सहयोग दो प्रेस वाले सारे जीरो टॉलरेंस से कम कर रही सर इस वे आम आदमी पार्टी सरकार काफ़ी देखो करप्शन तो जीरो टॉलरेंस से कम कर रही है ना असं अपना एग्जाम्पल लैके हर एक बंदा अपना अपना एग्जाम्पल लैके चले मैं अपना एग्जाम्पल लैके चला कि मैं इस बन्ने कोई बड़ा काम नहीं करेंगे तो अमृतसर वाले शर्म नहीं आएगी मेरे तक कदम भी इस काम करके। सो लोग हर एक लैके चलने तो सोलह काम बन सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल है मेरा तुम्हें जिम्मे कहा ऑडिट होएगा बिल्डिंग का सर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वाले नोटिस भेज देंगे ने पैसा लेंगे ने हर नोटिस भेजा 10-10 लाख रुपया फ्लोर बनाने का ले लिता गया वड़िया वड़िया इमारत बन गई कल कोई हादसा होंगे कौन जिम्मेदार है क्या उन्होंने भी वो कार्रवाई होगी इन्हें लोगों के उपर? डेफिनेटली करेंगे जिम्मेदारी करेंगे बाकी है जिस तरह कल असी नवा ट्रक फायर का लॉन्च किया है तो 52 मीटर्स तक जा सकता है यह असं कर रहे हैं बिकॉज कई चीज़ इनेबिटेबल हो जाए कर लेंगे हो फिर जो जो चीज़ होड़ दी होंगी पहला किसी ने तुम हर एक तोड़ भनते नहीं कर सकते। सो असं वो भी देख रहे हैं हाइट का की करना है किमें रेगुलराइज करनी है किन्नी हाइट तक रेगुलराइज करनी किन्ने पैसे लैके रेगुलराइज करनी है ताकि सरकार को भी फायदा हो उस गल का जो कर रहे हैं या उन्होंने को कि पेमेंट लेनी एफ आई आर उन्हें तोड़िया तो एफ आई आर की पेमेंट लेनी आप किन्ने एक्स अमाउंट लेना उन्होंने को। सो वील मेक श्योर कि गवर्नमेंट का पक्ष भारी रहे पब्लिक तो यही सहयोग चाहते हैं जी असं लेट से ट्रैफिक की गल ही करते हैं तो ट्रैफिक ही घट्टो घट सी तरीके लाइट खड़ोया करिए सीट बेल्ट लाया करिए दूजे बंदे हैलमेट पाउन ये लाजमी काम ने सारे। सो असी कानून तोड़िए ना तो सरकार की मदद होगी। किसान डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निगजर देखो इन्होंने दसा भी किस तरह सरकार जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है बाकी बहुत सारिया उलझना पईयां होईयां पुरानी सरकार जिहड़ा ढांचा उलझा वो जल्दी ठीक होएगा सालां ने। डॉक्टर अजय गुप्ता MLA ने सेंट्रल विधानसभा हल्के अमृतसर तो डॉक्टर साहब अज तुसीं डॉक्टर अवतार के फंक्शन ते आए हो डॉक्टर अवतार के चाइल्डहुड फ्रेंड हो
क्या कहना चाहने? सब तो पहले तो डॉक्टर अवतार नू, डॉक्टर रवि नू, डॉक्टर ऐश्वर्या नू और उन्होंने पूरे परिवार नू और हॉस्पिटल की पूरी टीम नू जी लैके आए लॉन्च ऑफ द नैक्सट जनरेशन रोबोटिक उत्ते मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना और परम पिता परमात्मा वाहगुरु अगे यही अरदास करना कि परिवार जरा चढ़ती कला च रहे क्योंकि शुरू तो ही मैं देखा कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन्हों डॉक्टर स्पैशली डॉक्टर अवतार नू बड़ा ये शौक है इस गल का कि नवी तो नवी टेक्नोलॉजी जी लैके स्पैशली इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑप्थैलमोलॉजी दोनों के जोड़ा अमृतसर का नाम रहा डॉक्टर दिलजीत होने तुम जानते हो ही वॉज ए रिनाउंड आई सर्जन इन इन द वर्ल्ड सेम इज़ द केस विद डॉक्टर अवतार ही इज़ ऑलसो वेरी रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन तो मेरी पूरे परिवार को और पूरे शहर को और मैं एक गल होर कहना चाहना कि साडे लई सारिआं लई क्योंकि असीं इकट्ठे बचपन तो इकट्ठे रहे हैं ये बड़े फखर की गल है कि साडा एक बचपन का साथी जिहड़ा मेरे नाल पढ़िया और MBBS भी इकट्ठे की बाद मेडिकल कॉलेज भी इकट्ठे रहे तो शहर लई भी बहुत फखर की गल है कि जिहड़ी न्यू रोबोटिक सर्जरी लैके आए ने मैनू कहन च बड़ी खुशी और गर्व महसूस हुंदा है कि यह सर्जरी सिर्फ गिने चुने हिंदुस्तान के शहरों के हो रही है जिदे विच साडा पवित्र शहर जिहड़ा गुरुआं पीरां दा शहर जिहनूं असीं कहिंदे उहदे विच भी है। अच्छा कहिंदे ना भी डॉक्टर टर्नड पॉलिटिशियन क्या फर्क महसूस कर रहे हो? देखो जी इस पहले तो सारा दिन डॉक्टर का काम ही मरीजों की सेवा करना है हुण क्या फर्क महसूस कर रहे हो? मैं दीपक जी मेरा ना शुरू तो ही राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेरे बजुर्ग भी मैनूं दसदे कि मैनूं शुरू तो ही बड़ा शौक रहा सेवा करन दा मेरा मतलब कह लो कि बाई डिफॉल्ट ही मेरे अंदर परमात्मा लई चीज़ां पाईआं गईआं सीगीआं ते उहदा ही सदका किधरे ना किधरे परमात्मा ने जिहड़ा मैनूं इह वाला एडा वड्डा जिहड़ा मान सम्मान तुसीं जाणदे ही हो उस बंदे नूं डिफीट कीता परमात्मा दी कृपा दे नाल जिहड़ा अज तक अनडिफीटेबल सीगा। मैं समझदा कि शुरू तो ही असीं अच्छे और प्लस मैं समझदा साडे बजुर्गां दा जिहड़ा आशीर्वाद है साडे बजुर्ग जिहड़े ओह बड़े धर्मी करमी और तपस्वी होए उन्हां दे आशीर्वाद दा ही अज मैं स्टेज ते हां। तुसीं गल कीती सेवा दी हर पोलीटिशन सेवा दे नां ते वोट मंगदा ते कहिंदा मैं सेवा ही करनी तो सेवा ते हुण आम आदमी पार्टी नूं नाल मैं वधाई भी देना चाहुंदा समझ सामने सामने आ रहा भी किस तरह सेवा कीती अज एक साबका मंत्री नूं फड़ लिया गया वो वेखो हिम्मत किन्नी है भी विजिलेंस वाले नूं कहिंदा भी करोड़ रुपया लै लो। एक्चुअली ये जिहड़ा आम आदमी पार्टी है ना एक क्रांतिकारी पार्टी अंदोलन चों निकली पार्टी तुसीं जानदे ही हो और इस करके लोग जिन्हें भी ये आए ने वो वाकई रियल सेंस जिहड़े तुसीं कह सकते हो कि सेवा भाव वाले ने वो नहीं नकली नहीं पहले तो नकली सी ना पहले 70 साल उन्होंने लुटिया तुसीं देखो अज जिहड़ा 3 लाख करोड़ 3 लाख+ करोड़ जिहड़ा कर्जा है पंजाब के उपर अगर तुसीं वो मैं समझदा कि 117 जिहड़े पहलां रहे ने उन्होंने तुसीं अगर उन्होंने बैंक अकाउंट दे लो तो तुहानूं सारा जिन्ना कर्जा पंजाब के उपर निकल आऊगा तुहाडे कोल वापस। सो इन्हां लोगों ने लुट्टन की कोशिश की और समझते सीगे कि शायद असी किधरे न किधरे जिहड़ा भ्रष्ट मंत्री जिहड़ा अज गिरफ्तार किया वह भी समझदा होएगा किधरे ना किधरे कि जिहड़ा कहिंदे ना चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर लोग बड़ा लोगों का बहुत सवाल है। देखो बहुत सारे मंत्री फड़े गए भी हजे बहुत सारे ऐसे जिहड़े लाइन च ने भी क्या आने वाला क्योंकि तुम डॉक्टर भी हो तो तुम्हें पता भी कितने कितने डॉक्टर का पता होंगे भी कितने किमें चोरी हो रही है तो किस तरह क्या लोगों को वो भी नज़र आएगा भी कहते नहीं तो लोगों को यह लगता भी कैंड चूज़ की पॉलिसी हो रही है। देखो जी मेरा तो जितों तक अपना परसनल जदों का मैं MLA बनया मैं मैक्सीम टाइम जो अपने सेंटर हल्के अपने हल्के च ही मैं रहना जे मैं मान लो चंडीगढ़ जाना भी हाँ सैशन पर भी जाना तो आई गो इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द ईवनिंग मैं उत्थे स्टे भी नहीं करता क्योंकि मैनू अपने जिहड़े मेरे जिन्हें भी हल्के दे वोटर्स ने सपोर्टर्स ने उन्होंने सारिआं नूं साडे तो बहुत उम्मीदां और लोग खुश भी बड़े हैं जे तुहानूं मैं ग्राउंड लैवल की गल दसां तां देखो ना ताना बना जिहड़ा बिगड़ा इहनूं ठीक होणूं किन्ना समय लगेगा? टाइम लगेगा इट विल टेक टाइम तुसीं तो मेरे तो ज़्यादा जानकार जे ज्ञाता जे तुहानूं बहुत एक्सपीरियंस इस लाइन का इट विल टेक सम टाइम। कुछ कहना चाहो शहर वासियों? शहर वासियों वास्ते यही है कि मेरा दोस्त बचपन का मेरा साथी डॉक्टर अवतार जिन्हों मैं रब का रूप समझदा
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆਖਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 10-10 ਦਿਨ 12-12 ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ D4 ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।